हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं शरण, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अम्मी खैरियत से हैं और मेरे असल पे बैठी है ऐसी हूँ ना, क्योंकि अम्मी और मैं जो है पालक काट रहे हैं। आज बन रही है घर पे आलू पालक और मैं बहनी के कुछ कपड़े गर्म थे वो मैं धो रही थी, क्योंकि मैं बाज़ार से लेकर आई थी। तो हम मतलब शुरू से ही अम्मी लोग यही बोलते कि बच्चे के कपड़े जो है ना धो कर के पहनाने चाहिए, थोड़े से उसके गर्म कपड़े लेके। खैर अभी सर्दियाँ तो इतनी उस तरीके की पड़ नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने बोला बैकअप पे वो करके रख दूँ, क्योंकि आज पानी आया हुआ था। तो काफ़ी अम्मी ने कल कपड़े धो लिए थे, कुछ कपड़े बचे हुए थे, तो वो मैंने भी बहनी के वहाँ पे एक करके आ गई थी। एक टब जो था वो तो मैंने धो के रख दिया हुआ था। फिर मैं आगे लाइट चली गई, तो उस वजह से इस बड़े भी UPS है, तो हम सब लोग यहीं बैठे हुए। और बहनी साहब जो हैं वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि बहनी साहब क्या कर, देखिए हमारे बहनी साहब क्या कर रहे हैं। बहनी साहब अपने बाबा की वॉच का तिया पाचा कर रहे हैं और मैं यहाँ अम्मी के साथ बैठ के पालक कटवा रही थी, क्योंकि टाइम इतना ओवर हो चुका है, क्योंकि टाइम हो रहा है तकरीबन हो रहे हैं 6:25 हो रहे हैं। तो अभी शाम की रूटीन कुछ ये है हमारी कि अभी अम्मी और मैं, क्योंकि आज बहुत लेट हुआ क्योंकि अम्मी किसी काम से गई हुई थी, तो अम्मी आई हैं। जैसे ही आई हैं तो फिर वो सब्ज़ी वगैरह का करने लग गई, क्योंकि हम लोग ने नाश्ता ही मेरा होता है मुश्किल से, उसके बाद जब बहनी के बाबा आते तब मैं खाना वाना खाती हूँ। और अभी बहनी साहब जो हैं ये बैठे हुए लेटे हुए हैं, ये अपने बाबा की घड़ी को जो है वो ख़राब करने पर कब्ज़ा किया, क्योंकि कोई काम नहीं करने दे रहा था। और आज इसके बाबा भी घर पर हैं, तो ये वो कुछ कंप्यूटर पे देख रहे थे अपनी कोई मूवी वगैरह, कोई अपनी फेवरेट लगा के बैठे हुए। और बहनी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, अभी दोनों बाप बेटा लाड़ लड़ा रहे हैं आपस में। सो मैं अम्मी के साथ बस पालक कटवाऊँगी और आज आलू पालक बन रही, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है, सर्दियों की सौगात ही ये होती है। यहाँ तो साग ले आओ, यहाँ आलू पालक ले आओ, पालक चिकन हो गया। और सब्ज़ियाँ जो हैं हरी हरी अच्छी लगती हैं सर्दियों में खानी। सो अभी मैं बस ये कटवा रही हूँ मम्मी के साथ, जैसे बन जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं तकी सेंटर थोड़े से प्राइस वगैरह लेने, जो कि हमारी शाम की रूटीन है, क्योंकि जैसे आज बहनी के पापा घर पे हैं तो कुछ भाई का खाने को दिल चाह रहा था, तो हम लोग चाय मैंने रख दी हुई है। तो मैं अब बस जा रही हूँ प्राइस वगैरह लेने, थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर जाके आप लोग को शेयर कर। गाइस, हम लोगों ने ले लिया है, हम दोनों का दिल चाह रहा था कि हम लोग जो है ना क्लब सैंडविच है, तो हमने क्लब सैंडविच जो है वो ले लिया है। अब बस घर के लिए निकलने लगे हैं, क्योंकि बहनी साहब जो हैं वो तो सो गए हैं, तो बस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहनी साहब जो हैं वो सो रहे हैं, अब वो रस्ते में ही सो गया था। सो ये हम लोग खाने के लिए भी लेकर आए, मैं चाय लेकर आऊँगी, रख गई थी मैं बनने के लिए, तो अभी जो है वो खाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो बाकी आप लोगों से रूटीन जो है वो सारी मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मोस्टली जिस दिन बहनी के पापा घर पे होते हैं ना, तो ये वैसे तो घर में फ्राइज़ बन जाते थे, लेकिन अब जो है कभी मूड पर डिपेंड करता है कि घर पे बनाना है या बाहर से कुछ लेकर आना है, तो इस वजह से आज वैसे भी उनकी नहीं भी दिल करता इंसान का जाने, क्योंकि ड्यूटी लंबी होती है उनकी, सुबह 9 बजे से जाते हैं फिर रात को आते हैं इतनी लेट, तो बस इस वजह से ना टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो उनको भी वो भी कहते हैं कि मैं भी घर पे रहूं, थोड़ा सा अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूं, घर वालों के साथ करूं, तो इस वजह से शादी के बाद की थकन जो हम लोग तो फिर भी आराम कर ही रहे थे, तो वो जो थे उनको आराम करने को नहीं मिल रहा था। सो अभी बहनी साहब जो है वो देखेंगे उठ गए हैं बाहर पटाखों की आवाज़ से, तो मैं तो रेस्ट को देखूँ। चाय के साथ हम क्लब सैंडविच खाने लगे हैं और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 का। बहनी को भी साथ में लेके आती हूँ और उसको भी खिलाती हूँ साथ में। देखें 8:10 हैं और बहनी साहब जो हैं अपनी आवाम पार्टी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मेरी दोस्त के बच्चे हैं, सब लोग आज ऊपर से आ जाते हैं, तो इनकी जो है ना एक तो लाइट नहीं होती जाहिर सी बात है, फिर ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे खेलने के लिए बहनी के साथ। और बहनी के तो यहाँ पे सारे फ़ैन हैं, आते जाते बहनी बहनी करते रहते हैं। और अभी बहनी साहब जो इनके साथ खेलने में लगे हुए हैं, तो ये तीनों बहन भाई, एक अभी पड़ रहा है ऊपर, बड़ा वाला हैदर नहीं आया है, और ये छोटे वाले ये सब लोग बैठे हुए हैं इसके साथ, बहनी के साथ, तो ये बहनी के साथ खेल रहे हैं और बहनी इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, शुक्र है खेल रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं बैनी अब खेलने में लगा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ये भी अच्छा है कि बच्चों के साथ हैप्पी हो जाता है, खेलता रहता है सारा दिन। मतलब अगर शाम में जैसे ही आ जाते हैं ना शाम को, फिर इन लोगों के साथ खेलने शुरू हो जाता है, वरना तो टाइम ही ऐसा होता है कि ये लोग अपने स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं। तो अभी जो है ये फ्री टाइम जब होता है तो बैनी के पास आ जाते हैं, तभी आए हैं सारे बच्चे तो खेल रहे हैं बैनी के साथ। तो मुझे भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है, क्योंकि अब स्काइना नहीं है, दीदी नहीं है इसकी यहाँ पे, वो अपने मामा पापा के पास गई हुई है, तो ये अकेला पड़ जाता था। तो ये चलो आ जाते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा होता है कि चलो इनके साथ खेल तो रहा है ना। तो ये सारा दिन दीदी को ढूंढता रहता है और अपनी आनों को, आनों तो जाहिर सी बात है अभी वो बिज़ी है अपने ससुराल में, उसके ससुराल में कोई इवेंट है तो वहाँ पे वो बिज़ी है। तो अभी कल आएगी शायद, तो हम लोगों से मिलेगी आके। तो अभी ये इन लोग के साथ लगा हुआ है खेलने कूदने में, तो बस इंजॉय कर रहा है। हम इसके बाबा गए हैं बाइक को, बाइक का कुछ मसला हुआ है शायद वो, एक तो हम लड़कियों को ये चीज़ों का पता ही नहीं होता, ब्रेक वगैरह का मसला था तो वो ब्रेक सही करवाने के लिए गए हैं। और बैनी साहब जो है वो खेल रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो मैं यहाँ पर बैठी भी इनकी मस्तियाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ लोग कर क्या रहे हैं। ज़रा देखिए ज़रा बैनी साहब बच्चों को डांट रहे, अपने दोस्तों को डांट रहे, उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ उसकी चीज़ों का हाथ लगा रहे थे, गुस्सा कर रहे क्या काम कर रहा है ये लड़का आज। बाबा क्या हो गया गुस्से करके मुझे दिखा रहा है, मतलब डांट रहे, समझ नहीं आती इसकी ये ना। और मैंने लास्ट व्लॉग जब मैंने छोटी बहन को घर जाने का बनाया था ना, तो जो दीदी है ना वो कर रही थी डांस, दीदी डांस कर रही थी, तो बैनी साहब जो है ना उसको तब भी ऐसे कर ऐसे ही उसको डांट रहा था। तो फिर जो ना बाइक पे हम लोग जब बैठ गए तो उसने इतना मारा उसको, टांगे मार रहा है, हाथ मार रहा है, मैं इसको डांट रही थी, इसको मना कर दी, लेकिन अभी भी ये वैसा ही कर रहा है। या इसके मर्जी के मुताबिक कोई बच्चा ना खेले या उसके साथ मस्ती ना करे ना, शायद ये उस वजह से भी ऐसे ही गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, तभी ये मस्तियाँ कर रहा है इस तरीके से। और इसके वार्डरोब की बड़ी ही टेंशन है कि इसका वार्डरोब जो है टूट गया, बहुत मुझे दुख है इस बात का। इतने अच्छे से इसके कपड़े मैंने समेटे थे, सारे हैंगिंग की हुई थी, सारे से कपड़े थे सारे ना ख़राब हो गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। मैं कपड़े वगैरह धो कर के अभी भी थोड़े कपड़े रहते हैं और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि चक्कर आ रहे थे। और अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना, ये ऊपर से आया मेरी दोस्त सलमा, उन लोगों के घर से आया, वो दे के गई थी क्योंकि हम लोग आपस में हम लोगों में चलता रहता है, एक सना मेरी फ्रेंड के साथ और एक सलमा के साथ। तो और साथ में हम लोग ये मूवी देख रहे थे, हम साथ साथ हैं। और अभी रोक दी थी हम लोगों ने क्योंकि हम खाना खाने लगे थे, क्योंकि फिर सारा फोकस जो मूवी पे चला जाता है। तो अभी हम बस खाना खाने लगे, और अभी जो थोड़े से कपड़े रह जाएंगे रह गए हैं वो भी थोड़ी देर में देखती हूँ, हिम्मत हुई तो धो लूँगी वरना तो नहीं। तो बस अभी जो है खाना खाएंगे। और ये मेरा बच्चा बड़ी मुश्किलों से हैंडल करते हैं इसको, आज बाबा का दीवाना बना हुआ, आज बाबा के साथ ज़्यादा दोस्ती हुई भी है। और इसके बाबा मुझे कह रहे थे तूने मेरी छुट्टी का सही फ़ायदा उठाया, मैंने बोला मैंने फ़ायदा उठाया, ये आपके जिनाब ने उठाया, सारा दिन आज बाबा की दुम बना हुआ है। तो अभी बस खाना खाने लगे, उसके बाद मैं लाइट आएगी तो फिर इनका यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी, और फिर वही जो रूटीन है बर्तनों की, बर्तन धो कर के फिर सो जाएंगे। तो गाइस ये देखें सारा बिखरा पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, पर वो बंदा जो है ना आज सोने के मूड में नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ उसको। ये देखिए ज़रा कहाँ से इसका लग रहा है कि मूड है सोने का, कब से क्या टाइम हो गया, मैं इसके बाबा इसको सुलाने के चक्कर में इससे एक दफ़ा मार भी खा ली, लेकिन ये बंदा है कि सोने के उसमें ही नहीं है। मार इस सूरत में मतलब कि मैंने इसको कोई ज़्यादा नहीं मारा, हल्का सा ऐसे मैंने इसको गाल पे किया तो ये रोने लग गया, गले पे, वो इसलिए क्योंकि गले पे जोर दे के बहुत ज़्यादा ये रो रहा था। और अभी भी इसका कोई मूड नहीं है। और टाइम देखे क्या हो रहा है, टाइम हो रहे हैं 1:45, ये देखें 1:45 हो गए और ये बंदा अभी सोने का नाम नहीं ले रहा। और इसके बाबा बेचारे ने आज खुद ही अपना यूनिफॉर्म इस्त्री कर लिया, बाकी मेरे कपड़े रहते हैं अभी।
बस ये टप वाले कपड़े मेरे रह गए, बाकी मैंने इसके सारे, इसके और इसके बाबा का यूनिफॉर्म था ये आधे मैंने यहाँ पे फुला दिए, और बस ये टप वाले कपड़े जो रह गए और बर्तन रह गए मेरे। बर्तन तो मैंने आपको दिखाई दी किस तरीके से बखेरा पड़ा हुआ है, पर ये बंदा सो ही नहीं रहा कि मैं काम कर लूँ। मैं उसके पापा ने बोला जाओ तुम बर्तन धो के आ जाओ, जब तक मैं इसको देखता हूँ, जब ये करेगा सोएगा या रोने लगेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी, फिलहाल बर्तन तो धोना, इतना ये तंग कर रहा है आज। सो गाइस फाइनली मैंने कपड़ों का सारा काम कर लिया, यहाँ से भी सारा समेट लिया, साफ़ सुथरा कर लिया, पोछा भी धो लिया हुआ है, और किचन जो है किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। सो बस अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, और किचन की अभी डीपली सफाई होनी है, ऊपर से सारे दीवारें वगैरह साफ़ होंगी, वो सारा होने वाला, और ये ऊपर से भी काफ़ी सामान है जो उतारने वाला है, तो वो भी इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। सो कोई हेल्पर मिल जाए तो ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, क्योंकि बेटे के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैं काम करूं। और मैडम कैंडी को मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका यहाँ बसेरा है आजकल, ये यहाँ पर बैठ जाती है, अब ये सारे यहाँ पे इसने बाल लगा देने, और बहुत सारे से बाल लगाए हैं। अब बंदा करे तो करेगा, इस मासूम को भी कहाँ बंदा छोड़ के आए, टेंशन तो यही होती है ना कि कहाँ जाएगी बेचारी के लिए। सो खैर अल्लाह माले के घर को साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो करते हैं हम इसका। किंदु मैं बच्चे किंदु, सो अब ये यहीं पे रहती है, क्या कर सकते हैं। सो मैं अब सोने जा रही हूँ, टाइम हो रहा है तकरीबन, अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो तो 12:45 होने वाले, और वहाँ से बहनी के पास भी आ गई, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हम लोग की मॉर्निंग हो चुकी है, अब बहनी साहब का आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है सिवाय अब्बू और मेरे, तो या तो अब्बू इसको उठा रहे हैं या मैं इसको उठा रही हूँ, ना इसके बाबा हैं, ना मेरी अम्मी है, ना इसकी दीदी है, ना आनो, तो वैसे अब शादी होकर अपने घर जा चुकी है, तो बहनी साहब का मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहनी साहब को ये कि हर बंदा मेरे आसपास रहे, मेरे पास पास रहे, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जॉब्स भी करनी है सबको, तो मम्मा तो उसको अवेलेबल मिलेगी क्योंकि मम्मा तो उसके पास ही रहेगी, तो बहनी साहब जो है इस वजह से तंग कर रहे हैं। जब उठे हैं अभी तो कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं। मैंने म्यूज़िक भी हालांकि उसको लगा के दिया था, जो उसके कार्टून कोको मेलन है या गुल्ली मटा, अगर सॉन्ग वगैरह इसको ये पसंद करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है आज सुबह सुबह किसी चीज़ में, ये बंदा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, और रात को भी बहुत तंग है। कल इसके बाबा का शिकवा ये था मेरे साथ कि तुमने मेरी छुट्टी का सही फ़ायदा उठाया, तो मैंने बोला जहरी सी बात है, अगर आप उसको पकड़ोगे तो मैं खाना भी बनाऊंगी, मैं कपड़े भी वॉश करूंगी, मैं घर के कामकाज भी करूंगी, और कल इसने अपने बाबा का बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा। जहां इसके बाबा अगर उठ के बाहर जा रहे हैं तो फौरन से इसको पता चला, और ये पीछे पीछे इतना रोने लग जाता, तो अब जाहिर सी बात है माँ या बाप से ही बच्चा अटैच होता है, फिर दोनों के पास ही जाएगा, और इनके अलावा मतलब अम्मी है, अब्बू है, और कल इसके बाबा घर पे इसको नज़र आ रहे थे, तो अपने बाबा के पीछे 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 जिसको हम लेली बोल देंगे, अपने बाबा का ये लेली बना हुआ था। तो खैर अभी ये है कि ये इसको अभी उठा है, अभी थोड़ा सा हो रहा है, रवा हो रहा है, लेकिन ये है कि सबको इधर उधर ढूंढ रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको कुछ खिलाने की कोशिश की, फिर जनाब की वही आदत कि कुछ नहीं खाना और जस्ट नखरे दिखाने हर चीज़ में। खैर अभी तो इसको मैं देख रही हूँ, तो मैं अभी करने लगी हूँ नाश्ता। सो मैं आप लोगों से अपना नेक्स्ट व्लॉग, सो बहनी साहब जो है बैठ के ऊपर कल्टबाजी लगी इनकी और रोने लग गए, फिर मैंने उसको गोद में ले ली, कसम से बच्चे भी ना साहब अभी बेड पे ही गिर गए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, उसको भी सुकून नहीं है, ऐसे गोदी में से बेड पे गिर गए और रोना शुरू कर दिया। सो मेरा आज का व्लॉग मैं यहाँ ही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं नाश्ता करूँगी, और बाकी जो कल के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ बाकी चीज़ों को जो है शेयर करूँगी, और इसके बाद थोड़ा घर के काम काज हैं वो करूँगी, और समेटा समेटी है वो सारे करने वाले वो करूँगी। तो सो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मैं जल्द से जल्द मोबाइल भी अपना चेंज करने वाली हूँ, ताकि मेरी वीडियो आप लोग को सही और क्लियर आए, ऐसे वीडियो इस पर नहीं सही आती है। तो मैं बस बहुत जल्द मैं फ़ोन जो है वो जो है अपना चेंज करूँगी, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कौन सा मैं फ़ोन लेने वाली हूँ।
और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा फ़ोन अच्छा है वीडियो के लिहाज से, फिर मैं वो वैसा ही फ़ोन लूँगी। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।